नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। दिनांक 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को मानपुर नगर परिषद में परम पूज्य अनंत विभूषित पंच रसचार्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज, अवधधाम के शिष्य फूलचंद गुप्ता और उनकी धर्म पत्नी निर्मला गुप्ता ने कथा यजमान की गद्दी पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। कथा व्यास की गद्दी पर विराजमान भागवत भ्रमक धर्म रथ आशु कवि बाल संत श्री श्री 108 श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के मुखारविंद की कथा के रूप में अमृत धारा प्रवाह शुरू हुई। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ दिनांक 7 अप्रैल 2021 कलश यात्रा निकाली गई। 8 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को राजा परीक्षित का जन्म और भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। 9 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को ध्रुव चरित्र के बारे में महाराज जी के अमृतवाणी द्वारा सुनाया गया। श्रोतागण भावपूर्वक और कथा का रसपान किया। महाराज जी के द्वारा राम जन्म का पाठ किया गया। संगीतमय भागवत को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। शासन के नियमों का पालन कर भागवत प्रारंभ हुई। आयोजनकर्ता विकास गुप्ता ने बताया कि कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए श्रोता मास्क लगाते हैं। 200x200 के प्रांगण में कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें 50 लोगों से ज्यादा लोगों के आने की अनुमति नहीं है। सामाजिक दूरियां का भी ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा रहा है। समाज सेवी अरुण त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत लॉकडाउन से पहले ही शुरू हो गई थी, इस वजह से कार्यक्रम चल रहा है। अब कथा का रसपान सिर्फ घर के सदस्य ही कर रहे हैं। कथा व्यास में विराजमान महाराज ने 10 अप्रैल 2021 को श्री रामचरित्र का वर्णन और कृष्ण जन्मोत्सव को संस्कृत और हिंदी शब्दावली में सुनाया। संगीतमय ध्वनि में चल रही कथा को सुन श्रोता भावुक होकर राम में समाहित होकर झूम कर नाच रहे थे, खुशी के अश्रु निकलने लगते। 11 अप्रैल 2021 दिन रविवार को कृष्ण भगवान की बाल लीला का प्रसंग बड़े ही मन भावित होकर कथा को कहा। मैया यशोदा को भगवान कैसे सताते थे, अपने सखा के साथ माखन चुराते थे और गोपियों के संग रासलीला करते थे, उनको कैसे रिझाते थे, कलिया मर्दन किया, चपन भोग का प्रसाद भगवान को चढ़ा। दिनांक 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को रुक्मणी विवाह और दिनांक 13 अप्रैल 2021 को सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष और व्यास पूजन होनी है। दिनांक 14 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को चारों धाम हवन यज्ञ पूर्णाहुति कन्या भोज होना है। आयोजक विकास गुप्ता और विवेक गुप्ता ने करवाया। पिताजी के चारों धाम यात्रा के बाद उनको भागवत सुनवाई। प्रवीण गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, अरुण त्रिपाठी। आजकल गुरु जी नाम रखते वैदेही शरण हो घर में माखन चोरी लीला नहीं है, माखन चोरी सीखा है भगवान। कहीं भी चोरी करने जाओ आप लोग मत करते। जो बाबा नंबर ला गया मेरे